हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी एंड द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. लास्ट लेक्चर हमने डेफिनेशंस एंड फीचर्स कंप्लीट किए थे. व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी. यूटिलिटी किसको कहते हैं? Want satisfying power of a community, or in other words, we can say that capacity of a community to satisfy human want. कोई भी चीज के अंदर हमारी जो जरूरत है, requirement है, उसको पूरी करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? Utility. So any community which satisfies is human want, we can say that it possesses the utility. तो हम लोग बोल सकते कि जो भी commodity हमारी want पूरी करती है, तो उसमें ये quality है utility. Okay, now here we have seen the features. Features क्या थे? Utility is a subjective concept. It is a relative concept. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या ये मानस शास्त्रीय संकल्पना है, ये फीलिंग है विच इज देयर इन द माइंड विच कैन नॉट बी मेजर, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. प्लेजर यानी के हैप्पीनेस. यूटिलिटी और हैप्पीनेस बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी और हैप्पीनेस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है. Differs from usefulness. Utility or usefulness, दोनों different है. Utility क्या है? Want satisfying power of a commodity. Usefulness क्या है? Whether it is good or bad. Utility, want satisfying power है. It does not concern with the good or bad. Whether it is good for us or bad for us. इट इज मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट. ये मोरली कलरलेस है, यानी कि इट डज नॉट कंसर्न विद द मोरालिटी. अच्छा या बुरा उससे कुछ कंसर्न नहीं है. हार्मफुल है कि बेनिफिशियल, उससे ये लेना देना नहीं है. देन इट डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. अभी सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है? द कम्युनिटी में पोजेस द यूटिलिटी इवन बिफोर द कंजम्पशन, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी मिलेगा ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. देन इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी द यूटिलिटी. लोअर द इंटेंसिटी, लोअर विल बी द यूटिलिटी. नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली. यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनरी यानी कि क्या नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स में नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. दीज आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, या फिर चार टाइप्स भी. टू मोर आर देयर. ओके, फर्स्ट टाइप है, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी मीन्स व्हाट? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड फ्रॉम चेंजिंग द शेप. अगर हम लोग यूटिलिटी क्रिएट करे, कैसे? बाय चेंजिंग द शेप. और इफ द यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी चेंजेस विद द चेंजेस इन शेप, साइज, कलर, परफ्यूम. अगर कोई भी कमोडिटी का अगर हम लोग शेप चेंज करेंगे, साइज चेंज करेंगे, तो अगर उसकी यूटिलिटी अगर इंक्रीज होती है, तो इस तरह की जो यूटिलिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी यानी के स्वरूप
किसी भी चीज का स्वरूप, उसका स्वरूप अगर हम लोग चेंज करेंगे, उसकी साइज चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे, तो उसके कारण अगर यूटिलिटी क्रिएट होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। तो अभी वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अ लॉग ऑफ वुड। हम लोग लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी, ओके लकड़ी का एग्जांपल है। इफ द लॉग ऑफ वुड इज कन्वर्टेड इनटू द फर्नीचर, इफ द लॉग ऑफ वुड इज कन्वर्टेड इनटू द फर्नीचर, इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। लकड़ी का टुकड़ा रस्ते पे गिरा रहेगा, नो वन बॉदर अबाउट इट बिकॉज इट गिव्स अस लेस यूटिलिटी, बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द डिजाइनर फर्नीचर। अभी वही लकड़ी को अगर हम लोग एक डिजाइनर फर्नीचर का रूप देंगे तो उसका यूटिलिटी, उसकी वैल्यू क्या बढ़ गई, इंक्रीज होगी। इस तरह से अभी हमने क्या किया, लकड़ी को कन्वर्ट किया फर्नीचर में, डिजाइनर फर्नीचर में, ओके, तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस तरह से अगर यूटिलिटी क्रिएट होती रहेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज ना फॉर्म यूटिलिटी। वेयर द फॉर्म यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म शेप, such type of utility is called as form utility. Next type of utility, that is a place utility. Place utility kya hai, when utility of a commodity is created by changing the place, by transporting the goods from one place to another place. अगर हम लोग utility create कर रहे, increase हो रही है किसके कारण, if you transport the goods from one place to another place, अगर हम लोग वो commodity को transport कर रहे one place to another place, और उसके कारण अगर utility उसकी increase हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, place utility. Now what example we can give for the place utility? तो अभी place utility का क्या example दे सकते हैं कि हमने transport किया एक जगह से दूसरी जगह, its utility increases. We can give the example of the apples. अभी apples कहाँ पे produce होते हैं? Apples are produced in Kashmir. When apples are transported from Kashmir to मुंबई, अभी कश्मीर में वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द मुंबई इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। अभी एप्पल की वैल्यू अगर मुंबई में ट्रांसपोर्ट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेस यूटिलिटी। सेम वे अभी लॉकडाउन चल रहा है, we had seen that many farmers, they are not able to transport their vegetables. Lockdown ke karan kai farmers, they suffered the losses. Why did they suffer the losses? Because they are not able to transport. Lockdown ke karan transport band tha. So unhone kya kiya, unko loss ho. Agar transport available rehta to they could have able to transport their vegetables from their farmland to the Mumbai or इन अर्बन एरिया, तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता, मुनाफा मिलता, वेजिटेबल्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती। अभी वेजिटेबल्स की वैल्यू इंक्रीज होती है यानी कि उनकी यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती। ओके, तो इस तरह से अगर कोई भी कमोडिटी की वैल्यू यूटिलिटी इंक्रीज होती है ट्रांसपोर्ट के कारण, व्हेन इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग द गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस तरह की जो यूटिलिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेस यूटिलिटी। द अनदर टाइप ऑफ यूटिलिटी, दैट इज द टाइम यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज द टाइम यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंजेस इन टाइम,
टाइम यूटिलिटी क्या है? व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विथ चेंजेस इन टाइम सीजन. तो उस तरह का जो यूटिलिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम यूटिलिटी. व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड और इंक्रीज विद चेंज इन टाइम. अभी वो कैसे? स्टोरिंग द गुड्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एंड सेलिंग इट आउट इन द रेस्ट ऑफ द सीजन. अभी हार्वेस्ट सीजन में फार्मर हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं सो दैट वी कुड गेट दिस गुड्स इन रेस्ट ऑफ द सीजन और तभी प्राइस ज्यादा मिलती जहाँ पे जो सीजन में वो कल्टीवेट की जाती है. सिमिलर वी कैन सी दैट मेनी सेलर्स सेलर्स क्या करते हैं? दे आर होल्डिंग होल्डिंग दैट मीन क्या करते हैं? इलीगल स्टॉक करके रखते हैं. स्टॉक क्यों करते हैं? दे आर क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल स्केयरसिटी इन द मार्केट. मार्केट में स्केयरसिटी करते हैं, शॉर्टेज क्रिएट करते हैं होल्डिंग के जरिए स्टोर रूम में उस गोडाउन में स्टॉक करके रखते हैं. और जैसे ही स्केयरसिटी बढ़ती है मार्केट में शॉर्टेज होती है तो क्या करना शुरू करते हैं? दिस स्टार्टेड सेलिंग दिस गुड्स. मार्केट में जैसे शॉर्टेज होती है वो सेल करना शुरू करते हैं. दे आर सेलिंग द सेम कमोडिटी एट अ हायर प्राइस. लेकिन सेम प्राइस पे सेल करेंगे क्या? दुगने तिगने प्राइस पे उसको सेल कर दो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्टेज होने के कारण अवेलेबिलिटी नहीं रहने के कारण उसकी यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो व्हेन द यूटिलिटी इज क्रिएटेड इस तरह से अगर यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है टाइम चेंज होने के कारण या सीजन चेंज होने के कारण तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम यूटिलिटी. वी कैन गिव द अनदर एग्जांपल दैट रेनकोट. अभी रेनकोट हम लोग कभी पहनते हैं? ड्यूरिंग द रेनी सीजन. समर सीजन में हम लोग रेनकोट यूज करेंगे क्या? नो, इट हैज नो यूज. इट हैज जीरो यूटिलिटी. उसकी वैल्यू भी जीरो रहे. उसकी वैल्यू कभी बढ़ती है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो इस तरह से सेम कमोडिटी है उसकी वैल्यू चेंज हो गई. क्यों चेंज हो रही है? टाइम चेंज हो गया, सीजन चेंज हो गया, उसके कारण उसकी वैल्यू चेंज हो गई. तो इस तरह की जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज एन टाइम यूटिलिटी. उसको क्या कहेंगे? टाइम यूटिलिटी. द नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी दैट इज सर्विस यूटिलिटी. अभी सर्विस यूटिलिटी मीन्स व्हाट? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाई सर्विसेज रेंडर्ड बाई द डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सच अ टाइप ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज एन सर्विस यूटिलिटी. अभी प्रोफेशनल्स लोग अपनी जो सर्विस देते कस्टमर्स को उसके कारण कस्टमर्स को जो यूटिलिटी मिलती है. दे आर नॉट सेलिंग द गुड्स. वो क्या सेल कर रहे हैं? सर्विस. दे आर गिविंग द सर्विसेज और उसके कारण लोगों को जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड एज एन सर्विस यूटिलिटी. इसको क्या कहते हैं? सर्विस यूटिलिटी. ओके, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन रेंडरिंग सर्विसेस. तो जिस अगर सर्विस से हमको जो यूटिलिटी मिलती है सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे? सर्विस यूटिलिटी. नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी दैट इज नॉलेज यूटिलिटी. अभी नॉलेज यूटिलिटी क्या है? Knowledge utility means what? When utility of a commodity changes or increases with the changes in knowledge. Knowledge बढ़ने के कारण अगर utility create होती
और इंक्रीज होती है। तो इस तरह की जो यूटिलिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉलेज है यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नॉलेज। नॉलेज बढ़ने के कारण कोई भी कमोडिटी के बारे में, चीज के बारे में अगर हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, उसके कारण अगर यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उस तरह का यूटिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। अभी नॉलेज यूटिलिटी का एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ टाइपराइटर। अभी टाइपराइटर का यूज किसको है, दोज हु नो द टाइपिंग। जिसको टाइपिंग आती है ओनली दैट पर्सन कैन मेक द यूज ऑफ द टाइपराइटर, उसको ही टाइपराइटर का यूज है। और जिसको टाइपिंग नहीं आएगी उसको टाइपराइटर का कुछ यूज नहीं। तो जैसे ही वो ट्रेनिंग लेगा टाइपिंग का, जैसे वो स्किल डेवलप होगी, इट्स यूटिलिटी फ्रॉम अ टाइपराइटर विल इंक्रीज। तो इस तरह का जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज यूटिलिटी। यानी कि नॉलेज बढ़ने के कारण अगर यूटिलिटी क्रिएट हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी। ओके, अरे फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी मीन्स व्हाट, एफ ओ आर एम, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मीन्स व्हाट, कि इफ फॉर्म यानी कि कोई भी कमोडिटी का अगर फॉर्म चेंज होता है, स्वरूप चेंज होता है, ओके, तो अगर कोई भी कमोडिटी का अगर फॉर्म चेंज होता है तो उसके कारण यूटिलिटी अगर चेंज होती है उसको हम लोग कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज एन पोजिशनल यूटिलिटी। अरे पोजिशनल यूटिलिटी मीन्स व्हाट, पोजिशन, पोजिशन का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। ओके, पोजिशन मीन्स व्हाट, ओनरशिप। तो इफ the ownership, if the utility of a commodity changes with the changes in possession, abhi ownership change hone ke karan agar utility change ho rahi, ownership change hone ke karan agar utility agar change ho rahi hai to usko hum log kya kahenge, possession utility। possession yani ke ownership, if the ownership of the commodity changes utility will also change। अभी इसका एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं, कि इफ यू गो टू द शॉपकीपर, बुक सेलर, अब बुक सेलर के पास पहुंचे बुक्स खरीदने के लिए, एज लॉन्ग एज दैट बुक्स आर देयर विद दैट सेलर, उसका यूटिलिटी किसको रहेगा, सेलर को। बट व्हेन वी परचेस दैट बुक, अभी सेलर को कैसे, ही इज गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट बाय सेलिंग दिस बुक्स। लेकिन व्हेन ही सेल दिस बुक्स, अभी जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो वो बुक्स का जो यूटिलिटी है, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द कंज्यूमर। वो उसका यूटिलिटी, बुक की यूटिलिटी ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू द कंज्यूमर। दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज पोजिशनल यूटिलिटी। पोजिशनल यानी के ओनरशिप, ओनरशिप चेंज होने के कारण अगर किसी चीज की यूटिलिटी चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोजिशनल यूटिलिटी। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, कितने टाइप्स देखे हमने, सिक्स टाइप्स। कौन से सिक्स टाइप्स, पहला फॉर्म यूटिलिटी, विच चेंजेस विद द चेंजेस इन फॉर्म। फॉर्म यूटिलिटी क्या है, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस और इंक्रीज विद चेंजेस इन फॉर्म, उसको कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंजेस इन प्लेस ऑफ कंजम्पशन।
are created by transporting goods from one place to another. अगर प्लेस चेंज होने के कारण यूटिलिटी चेंज हो रही है या क्रिएट हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे प्लेस यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंजेस इन द टाइम और द सीजन. अगर टाइम या सीजन चेंज होने के कारण अगर यूटिलिटी चेंज हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे टाइम यूटिलिटी. एंड सर्विस यूटिलिटी व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्रिएटेड और from the services rendered by the doctors, teachers, lawyers and the chartered accountants. अभी यूटिलिटी अगर हम लोग को सर्विसेज से मिल रही है, सर्विसेज कौन दे रहा है? प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स कौन है? डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट. उनके सर्विसेज से जो हमको यूटिलिटी मिल रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्विस यूटिलिटी. Knowledge utility, when utility is created or increased with the change in knowledge or increase in the knowledge. Knowledge बढ़ने के कारण अगर utility increase हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Knowledge utility. And the last time, that is sixth one, that is possessional utility. Possessional utility क्या है? When utility of a commodity changes with the changes in possession. Possession यानी के ownership. अगर ownership change हो गई, ownership change होने के कारण अगर utility change हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Possessional utility. Now to study the consumer behavior, Dr. Alfred Marshall. अभी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मार्शल ने इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ डीएमई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ टू एक्सप्लेन दिस लॉ ही हैज इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. अभी बिफोर स्टडिंग दिस लॉ वी फर्स्ट लर्न दिस टू कॉन्सेप्ट. That is the total utility and marginal utility. First, we'll see what is the total utility. Total utility means what? Sum total of utilities derived by the consumer by consuming all the possible units of a commodity. टोटल यूटिलिटी क्या है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे यानी के जो टोटल यूनिट्स है सभी यूनिट्स कंज्यूम होने करने के बाद हमको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो जो टोटल सेटिस्फेक्शन उसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी. अब जैसे यहाँ पे डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल, यहाँ पे कितने डेयरी मिल्क है? टोटल 5 डेयरी मिल्क आर देयर. 5 डेयरी मिल्क, अभी मैंने 5 डेयरी मिल्क कंज्यूम किए खाए, तो 5 डेयरी मिल्क कंज्यूम करने के बाद मुझे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको मैं क्या कहूंगा? टोटल यूटिलिटी. अंडरस्टैंड? दैट इज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स. तो सभी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो टोटल यूटिलिटी हमको मिल रहा है तो उसको हम लोग उसको क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी. सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स इज कॉल्ड एज टोटल मार्जिनल यूटिलिटी. अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. मार्जिनल मीन्स व्हाट? एडिशनल. एडिशनल का मतलब होता है वन मोर, वन एक्स्ट्रा. तो एक एक्स्ट्रा यूनिट मैंने और एक यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो मुझे एक कितना, एक यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना एडिशनल, कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी. ओके,
मार्जिनल होता है एडिशनल साइज के. ओके, एक यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एडिशनल यूनिट से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज ना मार्जिनल, मार्जिनल एडिशनल. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मीन्स वॉट? समेशन, यानी कि सभी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद मुझे तो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको मैं क्या कहूंगा? टोटल यूटिलिटी. और एक एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मैं क्या कहूंगा? मार्जिनल. एडिशनल, मार्जिनल मीन्स एडिशनल. एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको मैं क्या कहूंगा? मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, हियर वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क. किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो. यस, एनी डाउट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई सबको? टी यू एम यू, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द again we'll repeat it and we'll see the difference between total utility and marginal utility. Okay, so next lecture we'll dono ka difference dekhenge, ye concept aur detail mein dekhenge. Okay, now we are going to stop here. Kisi ko doubts hai, kuch doubts hai to kuch hai. Total yani ke kya? Sabki total, sabhi units, sabhi maine 5 carbodies khai hai. फाइव कैरबरी से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटल. मैं केवल एक ही कैरबरी खा रहा हूँ, तो एक कैरबरी से मुझे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक से, उसको मैं क्या कहूंगा? मार्जिनल. ओके, टोटल यानी कि सब टोटल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. और मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल. ओके, now we are going to stop the meeting at this